देखो बेटा प्रीपोजिशन पहला हम इसकी मीनिंग समझेंगे और इसको हम लोग सेपरेट करेंगे और समझेंगे इसका डेफिनेशन। देखिए प्रीपोजिशन स्टैंड फॉर प्री, प्री मींस बिफोर, बिफोर बिफोर मींस अ वर्ड दैट इज पुट, दैट इज पुट बिफोर अ नाउन। एंड नेक्स्ट वी हैव रेस्ट समथिंग पोजिशन, पोजिशन पोजिशन मीन्स दैट इज प्लेस्ड, पोजिशन मीन्स प्लेस्ड। अब हम पूरे प्रीपोजिशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो किसी संज्ञा के पहले रखा जाता है। किसके पहले रखा जाता है? संज्ञा के पहले रखा जाता है, लेकिन वह नाउन किसी दूसरे नाउन से संबंध बताता रहेगा। जिस नाउन के पहले हम प्रीपोजिशन को रखते हैं वह नाउन किसी दूसरे नाउन से क्या बताता रहेगा? संबंध, एक रिलेशन शो करता है। इसीलिए हम लोग प्रीपोजिशन को एक रिलेटिव वर्ड भी बोलते हैं, एक रिलेटिंग वर्ड। वर्ड कहने का मतलब एक ऐसा शब्द जो किसी संज्ञा के पहले आ करके दूसरे संज्ञा से संबंध स्थापित कर देता है, यह प्रीपोजिशन है। अब हम एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे एग्जांपल है राम रीड्स एट नाइट, राम रात को पढ़ता है। रीड्स एक वर्ब है जो किसके द्वारा किया जा रहा है? राम के द्वारा। बट एट नाइट, नाइट इज अ नाउन दैट शोज द रिलेशन टू राम। नाइट एक नाउन है, नाउन के पहले हमने एट लगाया है और यही नाइट जो है किससे रिलेशन शो कर रहा है? राम से एक रिलेशन शो कर रहा है। अब हम ये फैक्ट समझ सकते हैं कि हमारा जो प्रीपोजिशन है कि जब वह जिस नाउन के पहले आता है वह नाउन अपने आने वाले पहले नाउन से या दूसरे नाउन से एक संबंध स्थापित करता है, एक संबंध बताता है। प्रीपोजिशन कभी भी अकेले नाउन के पहले नहीं आएगा, वह हमेशा उस नाउन के पहले आएगा जिस नाउन का संबंध किसी दूसरे नाउन से होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब हम कुछ यूजेस पढ़ेंगे प्रीपोजिशंस के, कुछ यूजेस। उन यूजेस में पहला यूज है बिटवीन एंड एमंग। व्हाट इज दैट? बिटवीन एंड अमंग। सो फर्स्ट अबाउट बिटवीन, बिटवीन नोट दैट, बिटवीन का मतलब मीन्स जो होता है वह है बीच में। क्या होता है? बीच में। इसका मतलब यह होता है, इसकी मीनिंग जो होती है वो ये होता है कि बिटवीन का यूज हमेशा दो व्यक्तियों अथवा दो वस्तुओं के बीच में किया जाता है। बिटवीन का यूज किसके लिए करते हैं? दो व्यक्तियों और दो वस्तुओं के बीच में। इट इज यूज्ड फॉर टू पर्संस और टू थिंग्स। हम इसका यूज जो करते हैं दो व्यक्तियों और दो वस्तुओं के लिए करते हैं। एग्जाम्पल नाउ डिवाइड
जरा ध्यान से देखिए, हमारा पहला नाम कौन है? मोहन। मोहन है। मोहन के पहले क्या आया है? बिटवीन, हमारा प्रीपोजिशन। लेकिन मोहन का संबंध एक और नाम से दिखाया जा रहा है, सोहन है। सोहन है। हम दूसरे नाम के पहले प्रीपोजिशन नहीं रखते हैं, हम हमेशा प्रीपोजिशन उसके पहले रखते हैं जिससे संबंध दिखाया जा रहा है। अब एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, द रिवर फ्लोज डैश टू बैंक्स, सो व्हाट विल बी यूज हियर, या क्या यूज किया जाएगा? बिटवीन। क्यों? क्योंकि यहां देखिए कितने बैंक्स हैं, नदी के दो किनारे हैं, इसलिए हम लोग यहां क्या यूज करेंगे? बिटवीन। इज दैट क्लियर? यस। नाउ सेकंड टाइम, सेकंड इज अमन, सेकंड इज अमन। Second is Aman. Aman is used for more than two persons or more than two things. दो से अधिक चीजों के लिए या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए हम लोग अमंग का यूज करते हैं। नाउ टेक द सेम एग्जांपल ऑफ अमंग, सच एज डिस्ट्रीब्यूट दीज कैंडीज डैश मोहन, सोहन एंड राधा। सो व्हाट विल बी यूज हियर? यहां क्या यूज किया जाएगा? एमंग। क्यों यूज किया जाएगा? क्योंकि यहां पर मोर देन टू पर्सन्स हैं, मोहन सोहन एंड राधा। सो वी विल यूज Among here. अब ठीक है ना? Yes. Note कर लीजिए।